नमस्कार प्रिय दर्शकों, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सुल्तानपुर में कल एक ही नंबर की दो इनोवा कार मिलने के मामले में पुलिस ने टूर ट्रेवल के संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के तिकोनिया पार्क के पास का, जहां कल ताज टूर एंड ट्रेवल्स के सामने एक ही नंबर की दो इनोवा कार खड़ी दिखाई पड़ी थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने दोनों कार को बरामद कर कोतवाली ले गई। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो जानकारी लगी कि एक कार का नंबर फर्जी है और उसका पेपर भी कूट रचित करने के तैयार किया गया है, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कुड़वार थाना क्षेत्र के गोसाई की मठिया गांव के रहने वाले श्रवण यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से फर्जी रजिस्ट्रेशन पेपर भी बरामद किया है। तो इस मामले में पुलिस ने ताज टूर ट्रेवल्स के मालिक और इनोवा कार चालक के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो ARTO विभाग की भी मदद ली जा रही है और इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दो गाड़ियां, दो इनोवा गाड़ियां एक ही नंबर प्लेट पे पाई गई थी। उसके संदर्भ पे विस्तृत जांच करने पर यह पता चला कि उसमें फर्जी तरीके से 33 नंबर, इंजन नंबर और कूटरचित तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत कर उसको चलाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में एक मुकदमा स्थानीय थाना पर पंजीकृत हुआ, जिसमें गाड़ी के ओनर जो टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हैं उनको नामजद किया गया, दो अन्य लोग उसमें नामजद किए गए हैं। अभी एक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जिनका नाम श्रवण यादव है। ये थाना कुड़वार के अंतर्गत रहने वाले हैं। इस टूर ट्रेवल्स के संदर्भ में कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, उसके संदर्भ में भी परिवहन विभाग एवं अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है उससे जो है मदद लेकर कार्रवाई की जा रही है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनका क्या नाम है उन लोगों का? एक श्रवण यादव है, एक जियाउल हक सनाफ ताज मोहम्मद जो टूर ट्रेवल्स के मालिक कहे जा रहे हैं, और एक चालक, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है।